आज मैं बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल सोया कीमा मसाला। आज की इस रेसिपी में हम कोई भी ऐसा स्पेशल मसाला नहीं यूज़ करेंगे जो आपके पास नहीं हो। जो भी घर पे मसाले हैं उसी से बनाएंगे, बस बनाने का जो तरीका है वो अलग है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट जो है वो रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो चलिए आज की सुपर टेस्टी सोया कीमा मसाला की रेसिपी को शुरू करते हैं। सोया मसाला कीमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप ये छोटे वाले सोया चंक्स लिए हैं। आप इसमें बड़े वाले सोया चंक्स भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसे गर्म पानी में भिगो देंगे। तो यहाँ पे 2 कप के करीब पानी डाल दें और इसके बाद हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये थोड़े फूल जाए। 10 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं, ये देखिए ये पहले से पानी अब्जॉर्ब करके फूल गया है। तब हम इसमें का पानी निकाल देंगे और इसके बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो आप इसे पानी से एक दो बार चाहिए तो धो लें और निचोड़ के इसका पूरा पानी निकाल दें। ये देखिए जब आप इसे ऐसे प्रेस करेंगे ना तो इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सोया चंक्स एकदम परफेक्ट रेडी है। अब हम क्या करेंगे, एक ब्लेंडिंग जार लेंगे और इसमें ये सोया चंक्स डाल देंगे। हमें इसे कोर्सली ग्राइंड करना है, मतलब एकदम पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा पीस लेना है और इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। तो इसे ग्राइंड कर लें। तो यहाँ पे मैंने सोया चंक्स को ग्राइंड कर लिया है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसे दरदरा पीसा है। तो अब हम चलते हैं सोया कीमा मसाला बनाने के लिए। तो उसके लिए गैस ऑन करके एक पैन में 4 चम्मच तेल डालें। तेल इसमें ज़्यादा यूज़ होता है, आप चाहिए तो यहाँ पे 2 चम्मच घी भी डाल सकते हैं। एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची और यहाँ पे ये जो चक्रफूल होता है ना वो एक डाल दें। आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज डाल देंगे। तो यहाँ पर ये प्याज डाल दिया मैंने। प्याज को हमें 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लेना है, जब तक इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो आप चाहिए तो पैन को कवर कर दें या फिर बिना कवर किए पकाएं। 3-4 मिनट बाद हम देखेंगे कि प्याज का कलर पहले से चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें, हम अदरक बाद में भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसे भून लें प्याज के साथ आधे मिनट के लिए। तो इसे ऐसे छोड़ दें ताकि अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो पक जाए। और यहाँ पे प्याज के साथ हमने अदरक लहसुन को पका लिया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो 2 प्याज और 2 टमाटर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। टमाटर को आप चाहिए तो बारीक काट लें, मैंने इसे लंबाई में काटा है। लंबाई में काटने से टमाटर जो है वो जल्दी गल जाता है। तो यहाँ पे इसे ऐसे स्प्रेड कर दें और उसके बाद ढक के 4 से 5 मिनट तक छोड़ दें, या फिर इसे तब तक पकाएं जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। 4 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और ये देखिए टमाटर जो है वो तेल से अलग होने लगा है। तो आप चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा सा इसे ऐसे क्रश कर सकते हैं। आप इसमें टमाटर को पीस के भी डाल सकते हैं या फिर टमाटर की प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं जो रेडीमेड मिलता है मार्केट में। तब हम इसमें मसाले डाल देंगे। तो 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर डाल दें, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला हम लास्ट में यूज़ करेंगे। मिला दें इन सबको। जीरा पाउडर इसमें नहीं यूज़ करना है। जैसे ही मसाले अच्छे से मिल जाएंगे हम पैन को कवर कर देंगे और 2 मिनट लो फ्लेम पे पकने देंगे ताकि मसाले जो है वो प्याज टमाटर के साथ अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे पैन को कवर कर दें और गैस का फ्लेम लो रखें। 2 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और यहाँ पे मसालों को हमने पका लिया है प्याज टमाटर के साथ। तो अब हम इसमें डाल देंगे दही। तो दही डालने के पहले गैस को ऑफ कर दें और मसालों को थोड़ा सा ठंडा कर ले, उसके बाद दही मिलाए, नहीं तो दही जो है वो कभी कभी फट जाती है। तो गैस को ऑफ किया मैंने और इसे ऐसे स्प्रेड करके ठंडा हो जाने के लिए छोड़ दें। तो यहाँ पे मसालों को हमने थोड़ा ठंडा कर लिया है, अब हम इसमें दही डाल देंगे। तो 1/4 कप या 4 बड़े चम्मच दही डाल दें और दही डालने के बाद इसे अच्छे से मिला दें। अगर आपको दही नहीं पसंद है तो आप दही को स्किप कर सकते हैं, लेकिन दही से ये सब्जी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर दही को हमने अच्छे से मिला दिया है। ये देखिए मसालों का कलर भी पहले से चेंज हो गया है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गैस को ऑन कर देंगे और उसके बाद इसे अच्छे से मिला के और ऐसे स्प्रेड कर दे। अब हम दही के साथ इन मसालों को 2 मिनट पकाएंगे लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे इसे ऐसे इवनली स्प्रेड कर दे, पैन को कवर कर दे और 2 मिनट लो फ्लेम पे पकने दे। 2 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और ये देखिए दही की वजह से मसालों का कलर और भी ज़्यादा रिच हो गया है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी बन गई है, ग्रेवी नहीं मसाला बन गया है। तो ग्रेवी बनाते हैं ना, अभी पानी डालेंगे हम इसमें। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1/3 कप हरा मटर। अगर आपको मटर नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन सोया में मटर अच्छा लगता है। फिर ये जो ब्लेंड किया हुआ सोया चंक्स है ये डाल देंगे। नमक डाल दें स्वाद के अनुसार। मैं यहाँ पर फ्रोजन मटर यूज़ कर रही हूँ, अगर आप फ्रेश मटर यूज़ करें तो उसे पहले से थोड़ा भून लें प्याज के साथ। मिला दें इसे। जैसे ही मसाला जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा सोया में, हम क्या करेंगे इसे ढक देंगे और ढक के लो फ्लेम पे 1 मिनट पकाएंगे। तो यहाँ पे मसाले को हमने अच्छे से मिला दिया है,
पैन को कवर कर दे और 1 मिनट के लिए पकने दे। गैस का फ्लेम लो रखें, नहीं तो ये नीचे से जलने लगेगा। 1 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाएंगे, मिला दें इसे अच्छे से। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो इसमें पानी डालना ज़रूरी है, नहीं तो ये सोया चंक्स जो है बहुत ही ड्राई लगेंगे। तो 1 कप के करीब पानी डाल दें। पानी में पहले हम इसे अच्छे से पका लेंगे, उसके बाद हम इसे वापस ड्राई कर लेंगे। तो आप टेंशन मत लें कि ऐसे गीली वाली सब्जी बनेगी, एकदम ड्राई बनेगी। बस ध्यान रहे कि पानी आपको ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है। तो पानी डालने के बाद हम इसे ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट पका लेंगे। तो पैन को कवर कर दें और इसे पकने दें। 4 मिनट बाद हम पैन का ढक्कन हटाएंगे, मिला दें इसे। तो ये हमारी सोया कीमा जो है वो ऑलमोस्ट बन के तैयार है। अब हम इसे थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम तेज कर दें और इसे हल्का सा ऐसे ड्राई कर लें। गैस ऑफ करने के पहले हम इसमें गरम मसाला और घी डालेंगे। तो आधी छोटी चम्मच गरम मसाला और 2 बड़े चम्मच घी डाल दें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे घी और गरम मसाला डालने के बाद इसे ऐसे मिला के और हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए भून लें, ताकि इसमें जो मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए। आप चाहिए तो ये बड़ी इलायची और जो दालचीनी वगैरह हमने डाला था ना, वो सर्व करने के पहले निकाल दें, ताकि खाते वक्त इसके टुकड़े मुंह में नहीं आए। तो यहाँ पे ये दालचीनी भी निकाल देती हूँ मैं। तो ये हमारा मज़ेदार सोया कीमा मसाला जो है वो बनके तैयार हो गया है, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए पहले इसे हटा देती हूँ मैं, और इसके बाद एक तड़का पैन गरम करेंगे। आप चाहिए तो इसे बिना तड़के के भी खा सकते हैं, लेकिन तड़का देने के बाद ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो तड़के पैन में हम 1 चम्मच घी डाल देंगे, और घी के गर्म होते ही हम इसमें अदरक डालेंगे। तो 2 इंच अदरक ऐसे लंबाई में काट लें या फिर बारीक काट लें, और इसे गर्म घी में डाल दें। अदरक को हम घी में पका लेंगे। जैसे ही अदरक का जो फ्लेवर है वो घी में आ जाएगा और अदरक थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम सोया कीमा के ऊपर डाल देंगे। तो यहाँ पे गैस को बंद करती हूँ मैं और ले चलती हूँ इसे कीमा के ऊपर डालने के प्रोसेस में। अगर आपको कीमा का जो कलर है वो रेस्टोरेंट स्टाइल चाहिए, तो इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दें, लेकिन कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो है वो गर्म घी में नहीं डालें, ये जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब डालें, नहीं तो मिर्ची पाउडर जो है वो गर्म घी में जल जाएगा। तो जैसे ये थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दें, मिला दें इसे। ये देखिए कलर आ गया ना। अब हम इसके ऊपर ये तड़का डाल देंगे। तो नॉर्मली रेस्टोरेंट वगैरह में क्या करते हैं कि फूड कलर यूज़ करते हैं, या फिर टमाटर की प्यूरी अगर आप यूज़ करेंगे, जो बाहर मिलता है ना वो वाली प्यूरी यूज़ करेंगे, तो इसका कलर और भी रिच आएगा। अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे। हमने इस कीमा मसाला में ज़्यादा तामझाम नहीं किया है, और ना ही कोई ऐसी स्पेशल चीज़ डाली है जो आपके पास नहीं हो। तो आप इस वेज सोया कीमा मसाला की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, यह आपको रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा पसंद आएगा। तो अब हम चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। तो सर्व करने के लिए हम इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जी का कलर जो है वो पहले से ज़्यादा रिच हो गया है। तो जैसे जैसे ये सब्जी ठंडी होगी इसका कलर और भी अच्छा आएगा, ये देख सकते हैं आप। तो आप चाहिए तो इस सब्जी को ऐसे सर्व करें, या फिर सर्व करने के पहले अगर गेस्ट आ रहे हैं ना, तो आप इसके ऊपर वापस ऐसे हरी मिर्च और अदरक का घी वाला तड़का लगा सकते हैं, इससे ये दिखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा और टेस्ट भी इसका काफ़ी रिच हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वेज सोया कीमा मसाला की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें,